सुरेंद्र वत्स जी की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर साल दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है एक छत के नीचे होगी, वो जगह होगी चैट विद सुरेंद्र वत्स। व्यक्ति के लिए दिल दिमाग गुर्दा कलेजा फेफड़ा इन सबसे मिला के जोरदार तालियां, जिसका नाम सुरेंद्र वत्स है। कुशल नेतृत्व जो सुरेंद्र भाई ने इस चैनल के माध्यम से देश के उन लाखों युवाओं को प्रदान किया जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना था। सुरेंद्र भाई आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आपकी इन्हीं गड़गड़ाती गरजती आवाजों के बीच में मेरे दोस्त को बुलाने लगा हूं। Right, like we are together for so many years now, right? Almost 10 years we know each other, and he's a electrifying personality, right? Current जैसा आता है जब वो आते हैं बात करते हैं तो, and 8 लाख के आसपास YouTube पे उनके साथ में subscribers हैं। He is a corporate trainer also, and he is a proud direct seller also. Let me invite with your help, standing ovation and powerful round of applause, Mr. Harshvardhan. बैठ जाइए। थैंक यू। पूंछ में आग लग रही है, इधर भी लग रही है। जो आज पहली बार आया ना वो टेंशन में है कि लफड़ा क्या हो रहा है। आपकी परिस्थिति समझ सकते हैं हम, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान एक जगह है डायरेक्ट सेलिंग के। हिंदुस्तान के 20 साल के इतिहास में पहली बार पूरा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पे। जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्षों पहले इस देश में किया था,
अलग अलग रियासतों को एक करके हिंदुस्तान बनाया था, वो काम आज सुरेंद्र वत्स जी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए किया है। थैंक यू सुरेंद्र वत्स सर, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। ऑल राइट, तैयार हो? Yes! रेडी हो? Yes! तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। मैं शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा जिन महानुभावों ने आज यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ऐसे सारे डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे फ्यूचर के सेलिब्रिटीज, ऐसे फ्यूचर के इस देश के होनहारों का मैं हर्षवर्धन जैन तहे दिल से यहां स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, स्वागत करता हूं आपका। और पूरे प्राणों से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। आप सभी लोगों को सत सत वंदन, मेरा नमस्कार। जो इस फोटोग्राफ में आज यहां हैं, इन्होंने देश में कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करके उसकी जिंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से वंदन करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहां पर बैठे हुए सभी लोग जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो आगे भी जिंदगी भर सिखा रहे हैं और लोगों को अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हम सब मिलकर आज इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 2020 की शुरुआत हो चुकी है, आने वाले 5 साल में इस हिंदुस्तान में जैसे यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस होती है और अलग अलग देश जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर साल दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है एक छत के नीचे होगी, वो जगह होगी चैट विद सुरेंद्र वत्स। आप और हम सब लोग मिलकर अपने सपनों को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आज मैं आपसे जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं, उस सब्जेक्ट का नाम है एक्सप्लोसिव चेंज, विस्फोटक परिवर्तन। जिंदगी में जिस इंसान ने उस परिवर्तन की आहट को जान लिया जो अंदर से विस्फोट होता है, वो क्रांति होती है उस इंसान के साथ जब वो विस्फोट होता है। एक बीज उसके जर्रे जर्रे और रोम रोम में एक बहुत बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन विस्फोट होगा तो निकल के बाहर आएगा। वो परिवर्तन का विस्फोट होगा तो निकल के बाहर आएगा। वो जीवन में एक छोटा सा अणु, एक ऐसा पदार्थ जिसे हम दूध कहते हैं, लेकिन उससे ऐसा घी निकलता है विस्फोट होने से, दुनिया देख कर कहती है अब इसकी मर्यादा बढ़ गई। ऐसी चीज जो पत्थर कहलाती है, लेकिन उसके रोम रोम जर्रे जर्रे में एक ऐसी प्रतिमा छिपी हुई है जो उसके परिवर्तनशील विस्फोट से बाहर आती है। आपके अंदर भी एक फ्यूचर करोड़पति अरबपति छिपा हुआ है, लेकिन वो एक विस्फोट से बाहर आएगी, एक परिवर्तन से बाहर आएगी, ऐसे चेंज से बाहर आएगी जो भीतर का संबंध है। उसका संबंध बाहर से नहीं है, उसका संबंध अंदर से है। तो आप सब लोग मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं? तो मैं इस सब्जेक्ट पे आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी कमांडमेंट जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। इस दुनिया के सारे महापुरुषों ने, इस दुनिया के सारे सफल लोगों ने इन बातों को किसी न किसी रूप में आप और हम तक पहुंचाया होगा, लेकिन रिपीटेशन इज द ओनली वे टू लर्न एंड सक्सीड। किसी चीज को बार बार दोहराने से वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। ऐसी 5 कमांडमेंट आपसे बात करने वाला हूं। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, हर इंसान सफल होना चाहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन क्या वो होता है? क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? पूरे स्टेडियम में जहां से मेरे तक आवाज आ जाए, आप अपनी जिंदगी में क्या वजह समझते हैं? सफलता सब चाहते हैं, स्वर्ग जाना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। क्या कारण है, क्या वजह है कि सफलता सब चाहते हैं लेकिन होता को होते बहुत कम हैं, सब नहीं हो पाते? उसके पीछे कोई जालिम बड़ी वजह होगी, कोई बड़ी वजह होगी जो उसको रोकती होगी, और वो वजहों को आज मैं मिटाने का प्रयास करूंगा जो आपकी जिंदगी में वायरस के रूप में बैठी होगी। लेकिन अगर इन वजहों को मिटा दिया तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए वो विरासत छोड़ के जाएंगे, दुनिया याद करेगी। और वो वजह सबसे बड़ी वजहों में से
एक वजह, क्योंकि वो लोग जिंदगी में खुद के ऊपर काम नहीं करते, वो खुद के ऊपर काम नहीं करते, वो खुद के ऊपर वर्क नहीं करते। पूरी दुनिया दूसरे की गिरेबान में झांकती है, पूरी दुनिया दूसरों की थाली में कितना घी है इसकी तरफ देखती है, पूरी दुनिया दूसरों का एटीट्यूड सकारात्मक करना चाहती है, पूरी दुनिया दूसरों का विश्वास डेवलप करना चाहती है, पूरी दुनिया दूसरों का नॉलेज और स्किल्स डेवलप करना चाहती है। अरे गिरेबान में झांक, खुद की तरफ देख, खुद के नट बोल्ट्स को टाइट कर। जिंदगी में जिस दिन निगाहें खुद की तरफ हो गई, उस दिन तेरा स्वर्ग तेरे भीतर होगा, तेरा जिंदगी तेरे अंदर होगी। खुद के भीतर खुद के ऊपर काम करना होगा। एक आदमी था, अजीब बीमारी हो गई, शरीर के जिस हिस्से पे अंगुली लगाए उधर ही दर्द, आ आ आ आ, आ। जिधर अंगुली उधर ही दर्द। बड़े हॉस्पिटल में चला गया, सारा चेक कर लिया, बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर और आगे बड़े हॉस्पिटल में गया, एम्स में भर्ती करा दिया, पूरा खोल के चेक कर लिया, लेकिन पकड़ में नहीं आई। प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सी बीमारी है? जिधर अंगुली लगाए उधर ही दर्द। जब वापस गांव में लौटा तो एक वैद्य जी ने देखा, और वैद्य जी ने देख के बोला, अंगुली में ही दर्द है, अंगुली में ही दर्द है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इंसान अंगुली के अलावा पूरे विश्व में अपने आप को जांच करा ले, क्या कभी बीमारी पकड़ में आएगी? आप अपनी जिंदगी की कामयाबी कहीं भी खोज लो, जब तक खुद के गिरेबान में नहीं झांकोगे, कामयाबी आपसे हमेशा दूर रहेगी। और कितनी दूर? जितनी दूर ये अंगुली आपसे दूर रहेगी। आज तालमेल बना के चलना होगा, आज एक डोर बनानी होगी। यहां दुनिया के टॉप ऐसे लीडर जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, वो आपके साथ अपने जीवन के अनुभव शेयर करने आ रहे हैं। उनको सुनना, उनको गुनना, उनको मनना, उनकी जिंदगी में अपनी तस्वीरों को, आने वाले भविष्य को देखने का प्रयास करना, तब खुद के ऊपर काम करना है। तो सुरेंद्र वंश जी की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर साल दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है एक छत के नीचे होगी, वो जगह होगी चैट विद सुरेंद्र वंश। के लिए दिल दिमाग गुर्दा कलेजा फेफड़ा इन सब से मिला के जोरदार तालियां, जिसका नाम सुरेंद्र वंश है। कुशल नेतृत्व जो सुरेंद्र भाई ने इस चैनल के माध्यम से देश के उन लाखों युवाओं को प्रदान किया जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते। सुरेंद्र भाई आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो वेरी मच सर।